ओके, अभी हम पहुंच चुके हैं तल्लीताल बस स्टॉप पर और सामने की तरफ हमें दिखाई देती है बहुत सुंदर नैनीताल झील। नीचे जाने के लिए भी हम रोपवे का यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल जस्ट लवर पॉइंट्स पे हम खड़े हैं। ओके, तो अभी हम पहुंच चुके हैं लेक व्यू पॉइंट। तो ये है हिमालय दर्शन पॉइंट। ओके, अभी हम पहुंच चुके हैं तल्लीताल बस स्टॉप पर हल्द्वानी से, और हमारे जस्ट तल्लीताल पहुंचते ही हमारे जस्ट आगे की तरफ होती है नैनी झील जो बहुत ही सुंदर है। तल्लीताल में एंटर होते ही आपको यहाँ पर कुछ टैक्सी बाइक्स अवेलेबल होंगी अगर आप मल्लीताल, हाईकोर्ट, राजभवन, सूखाताल और नैनीताल के 5-7-10 किलोमीटर के आसपास की रेंज में अगर आपको जाना है तो आप टैक्सी बाइक्स का यूज़ कर सकते हैं। तल्लीताल बस स्टैंड से महज 20 मीटर की दूरी पर तल्लीताल रिक्शा स्टैंड और टोल टैक्स आपको देना पड़ता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो 100 से 120 रुपये का टोल टैक्स आपको यहाँ पर देना पड़ता है। इसी के बाद आप नैनीताल मॉल रोड में एंटर होते हैं, बिल्कुल उसी की बैक साइड में है तल्लीताल रिक्शा स्टैंड। यहाँ पर से आपको मल्लीताल के लिए रिक्शे अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आप यहाँ पर से रिक्शों का यूज़ करके मल्लीताल की तरफ जा सकते हैं। मॉल रोड में घूमते हुए आपको चांदनी चौक दिल्ली की तरह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट मिलेगा, और नैनीताल बिल्कुल अगर आप ठंड से बचना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मॉल रोड में ही एक वाइन शॉप भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो तल्ली से टैक्सी बाइक्स भी ले सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा हेलमेट का यूज़ हमेशा कीजिएगा। मॉल रोड घूमते हुए आप को यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, काफ़ी शोरूम्स और वुलन क्लोथ्स और होटल मिलते हैं। रिक्शे से यात्रा जैसे ही हमारी ख़त्म होती है, हम जैसे ही मल्लीताल पहुंचते हैं तो मल्लीताल से हमें यहाँ पर से दो रास्ते मिलते हैं। एक मेन मस्जिद चौराहा और हाईकोर्ट की तरफ जाता है, और दूसरा जो नैना देवी मंदिर की तरफ जाता है। मेरी जस्ट लेफ्ट साइड में है बोट हाउस क्लब नैनीताल। अभी हमारी लोकेशन है जूम लैंड, बहुत सुंदर व्यू जहाँ पर से लेक का बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल लेक से लगा हुआ है। तो कैपिटल सिनेमा नैनीताल जहाँ पर मूवीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, और यहीं पर हमें वीडियो गेम पार्लर्स भी मिल जाता है जहाँ पर हम अपने बच्चों के साथ अगर आते हैं तो उनको वीडियो गेम्स इंजॉय करा सकते हैं। पैडल बोट स्टैंड, यहाँ पर से हम लेक में बोटिंग के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर का किराया आपको दिख रहा है किस प्राइस में हमें मिलेगा। अ पैडल बोट 4210। ये है बोट स्टैंड, अभी मैं बोट स्टैंड पर खड़ा हूँ। यहाँ पर से हम पैडल बोट्स ले सकते हैं बोटिंग के लिए। काफ़ी ठंड में बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत सस्ते में। पहुंच चुके हैं अभी गुरुद्वारे में जो बिल्कुल जूम लैंड के पास लगा हुआ है। तो घूमते हुए हम पहुंच चुके हैं अभी तिब्बती मार्केट की तरफ, जहां पर बहुत ही वैरायटीज के वुलन क्लोथ्स और ट्रेंडिंग क्लोथ्स मिल जाते हैं हमें।
बड़ी मार्केट घूमते हुए हम अब पहुंच चुके हैं फेमस नैना देवी टेम्पल की तरफ। बिल्कुल मेरे जस्ट पीछे नैना देवी टेम्पल है। नैना देवी मंदिर से अगर हम 5 कदम आगे इस तरफ जाते हैं तो उसके बाद हमें ठंडी रोड मिलती है, जहां हम पैदल यात्रा कर सकते हैं और बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। अभी मैं नैनीताल ग्राउंड में हूं, DSA ग्राउंड, जहां पर लोकल क्रिकेट मैच होते हैं और काफ़ी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट मैचेस के। लोकल टीम्स यहाँ पर खेलती हैं एंड बहुत अच्छी धूप है। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग धूप का मज़ा ले रहे हैं। ये है पीछे नगरपालिका और काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। काफ़ी अच्छी धूप है जबकि पहाड़ों पर बर्फ भी गिरी। अभी हमारी लोकेशन है मस्जिद चौराहा, ये मेरे पीछे मस्जिद है देख सकते हैं आप। और यहाँ से 2 सड़कें जा रही हैं, एक तो मेन मार्केट की तरफ और दूसरी राजभवन की। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आप मस्जिद के पास ही DSA की बहुत बड़ी पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर सकते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं लवर्स पॉइंट पे, जो 12 पत्थर के बिल्कुल पास है और यहाँ से हम कुछ हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, जहाँ से हमें टिफिन टॉप जाने के लिए रास्ता मिलता है। लवर्स पॉइंट बिल्कुल टिफिन टॉप पॉइंट्स के पास ही है लवर्स पॉइंट, जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। लवर्स पॉइंट बिल्कुल टिफिन टॉप पॉइंट्स के पास ही है लवर्स पॉइंट, जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे आके मुझे तो मेरा लव नहीं मिला, लेकिन क्या पता आपको मिल जाए, तो प्लीज़ कम टू लवर पॉइंट्स। ओके, तो मैं अभी खड़ा हूँ लवर्स पॉइंट पे। लवर्स पॉइंट कम सुसाइड पॉइंट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि नीचे को काफ़ी गहरी खाइयाँ हैं और बिल्कुल जस्ट लवर पॉइंट्स पे हम खड़े हैं। और देखिए यहाँ से नीचे गहरी गहरी खाइयाँ भी हैं, लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर से। एंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये है कैमल्स पैक, काफ़ी टॉप में है, और ये है चाइना पिक। ओके, तो अभी हम पहुँच चुके हैं लेक व्यू पॉइंट, यहाँ से हम लेक्स का एक बहुत प्यारा नज़ारा देख पाएंगे। अभी हम हैं स्नो व्यू पॉइंट में। बच्चों के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज हैं। छोटा सा स्विमिंग पूल बच्चों के लिए। यहाँ से आप सबसे बेहतर रोपवे का मजा ले सकते हैं, जो सीधे आपको नैनीताल मार्केट से स्नो व्यू पॉइंट पहुँचाती है। काफी एंजॉय करते हुए आप ये रोपवे से आप मेन मार्केट की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो मैं हूं अभी हिमालय दर्शन पॉइंट पे। काफ़ी मशक्कतों के साथ यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ में चलना बहुत मुश्किल है। कम टू नैनीताल एंड एंजॉय स्नोफॉल। नहीं सर, लगा दे निशाना, लगा दे इसके ऊपर, इसके वहीं पे लगा, लगा दे, लगा दे निशाना, लगा इसके, बस क्या खोपड़ी पर नहीं लगा इसके। अबे इन लोगों को मत करने दे, ऊपर से मार रहे थे।
ओके, तो आप नैनीताल के अंदर लोकल्स को छोड़ के अगर आप इसके साइट सीन्स करना चाहते हैं तो आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पर दो ऑप्शन मैं आपको प्रेफर करूँगा। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं आ रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो आप या तो टैक्सी बाइक्स ले लें या फिर आप एक टैक्सी करा लें। तो आप लोगों से मेरा पर्सनली ये निवेदन रहेगा कि अगर आप कभी भी नैनीताल आते हैं तो प्लीज़ सफाई ज़रूर बना के रखें, क्योंकि यहाँ की नगर पालिका टीम्स और कुछ लोकल लोगों की टीम्स सफाई पर विशेष ध्यान देते हैं। तो अगर आप नैनीताल आते हैं तो प्लीज़ अपना कूड़ा अपने साथ रखें या फिर डस्टबिन का उपयोग करें। प्लीज़ नैनीताल को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग दें।